हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग मास्टर सीरीज जो है वो कंटिन्यू है। अभी तक इसके अंदर 17 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और आज का ये जो वीडियो है ये है 18 वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ के अंदर मैथमेटिक्स के साथ कैसे फेमिलियर हो सकते हैं हम, और कैसे मैथमेटिक्स के प्रोग्राम्स बना सकते हैं वही हम देखेंगे। मैथमेटिक्स के साथ हम थोड़ा फेमिलियर होंगे, उसके बाद एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, अभी नहीं, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए एंड पर, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी नॉलेज से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैं आ जाता हूँ वीएस कोड के अंदर। तो मैं वीएस कोड के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर टाइटल डाल दिया मास्टर प्रोग्रामिंग पार्ट 18। और अब मैं programming.js फाइल के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर एक सिंपल वेरिएबल ले लेता हूँ नम नाम से। ये बेसिकली नंबर नंबर मैं इसको इमेजिन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक नंबर ले लिया 3। सही है, 3 ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे पास चार चीजें होती हैं। अगर आपको नहीं पता, किसी किसी को पता भी होगा, क्योंकि बेसिक जावास्क्रिप्ट जिसको आती है वही ये कोर्स को फॉलो कर रहा है। मैं यही इमेजिन करके चल रहा हूँ। मैं एक बात बार बार बोलता हूँ इस कोर्स के अंदर कि ये सीरीज जो है मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूँ कि बेसिक जावास्क्रिप्ट का नॉलेज सबको है। तो अगर बेसिक जावास्क्रिप्ट का नॉलेज सबको है तो ये चीज़ भी सबको पता ही होगी। अगर नहीं पता तो मैं फिर भी बता रहा हूँ। हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है नम प्लस प्लस, जरूरी नहीं है नम, जो वेरिएबल का नाम है वही। उसके बाद होता है प्लस प्लस नम। उसके बाद होता है नम माइनस माइनस। उसके बाद होता है माइनस माइनस नम। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले इनको हम बोलते क्या है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरह इसको हम बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। जब माइनस माइनस या प्लस प्लस वेरिएबल के नेम के बाद आएगा तो होगा पोस्ट। अगर वेरिएबल के नेम से पहले आएगा तो आएगा प्री, प्री इंक्रीमेंट। इसको बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट, उसको बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट, उसको बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट, और इसको बोलेंगे प्री डिक्रीमेंट। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। इसको बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट, इसको बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट, इसको बोलेंगे प्री डिक्रीमेंट। सबको समझ में आ गई ये बात। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं और उससे पता चलाते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो अभी इसको भी कमेंट करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ। सही है, अब मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं इधर कर देता हूँ, सबसे पहले अलर्ट चलाता हूँ और उसमें नम की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ। अभी तो सबको पता है कि इधर 3 आएगा। उसके बाद नम प्लस प्लस, उसके बाद मैं दोबारा अलर्ट कराता हूँ और नम की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ से करता हूँ कॉपी पाथ, आप मुझे बताइए क्या रिजल्ट मिलना चाहिए। सबसे पहले आ रहा है 3, ये वाले अलर्ट से आ रहा है 3। 3 क्यों? क्योंकि नम की जो वैल्यू है वो है अभी 3, इसलिए हमारे पास अभी 3 मिल रहा है। उसके बाद हमने कर दिया 1 का इंक्रीमेंट, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमें मिल गया 4। और अब हम अलर्ट को दोबारा नम करा रहे हैं, सॉरी, नम को दोबारा अलर्ट करा रहे हैं, तो अब हमें मिलना चाहिए 4। तो देखते हैं, तो ये देखें 4 जो है वो हमें बिल्कुल ठीक जो है वो अभी मिल रहा है। अब थोड़ा सा और एडवांस देखते हैं। इस अलर्ट को मैं हटा देता हूँ, अभी तो यहाँ पर 4 मिल रहा है, चलो ठीक है।
अब मैं देखता हूं प्लस प्लस नाम सही है, और यहां पर दोबारा से अलर्ट कराता हूं नम। तो अब मुझे क्या मिलना चाहिए, अब तो मुझे मिलना चाहिए पहले तो मिलेगा फोर, ये जो अलर्ट आएगा इससे इसमें तो मुझे फोर मिलेगा क्योंकि एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब दूसरे में क्या मिलना चाहिए तो देखते हैं, पहले तो मिला फोर, दूसरे में मिला फाइव। फाइव क्यों, क्योंकि एक का दोबारा से इंक्रीमेंट हो गया। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या फर्क है वो तो अभी आपको अभी पता चलेगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है दोनों जो हैं वो तो सेम ही वर्क कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की। अगर मैं यहां पर लगा दूं प्लस प्लस, अब मुझे बताइए क्या होगा, पहले तो मिलेगा फोर, फिर उसके बाद मिलेगा यहां तक फाइव, यहां पे मुझे फाइव मिल रहा है सही है। तो अगर मैं यहां पर प्लस प्लस लगा दूंगा तो क्या मुझे सिक्स मिलेगा अलर्ट में, देखते हैं। फोर फाइव क्यों, ऐसा क्यों हुआ, फाइव ही मिला, ये इसने इसको प्लस प्लस को इग्नोर कर दिया, बेसिकली इग्नोर नहीं किया, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि इसने इसको इग्नोर कर दिया, इसको पढ़ा ही नहीं। फाइव तो हमें यहां पर भी मिल रहा था लेकिन हमने नम को प्लस प्लस कराया लेकिन फिर भी फाइव मिल रहा है, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, अगर मैं दोबारा से अलर्ट को नम कराऊंगा तो अब मुझे मिल जाएगा सिक्स। अब ये वैल्यू जो है वो पूरी काउंट होगी, मतलब पहले इसने देखा, इसने इसको पढ़ लिया नम को और सिंपल हमें नम की जो वैल्यू आ रही थी वो उठा के दे दी, उसके बाद इसने इसको एक का इंक्रीमेंट किया, उसके बाद अगर मैं अब प्रिंट कराऊंगा वैल्यू को तो मुझे दे देगा ये सिक्स। पहले आएगा फोर, फिर आएगा फाइव, फिर आएगा सिक्स, पहले तो आ गया फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, सही है, सबको समझ में आ रहा है, आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। अब ये इसका इंक्रीमेंट हो गया सही है, इसी तरह डिक्रीमेंट भी काम करता है। अगर मैं यहां से ये उठाकर पहले रख दूं तो क्या होगा, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, अब इस अलर्ट को हटा देता हूं, क्या मुझे पहले तो फोर मिलेगा फिर क्या सिक्स मिलेगा, अभी देखते हैं। पहले मिला फोर फिर मिला सिक्स, अब ये क्या, पहले अगर मैं इधर, अभी मैं दोबारा दिखाता हूं, अगर मैं इधर लिख रहा था तब तो मुझे मिल रहा था फाइव और फोर, फोर और फाइव मिल रहा था, लेकिन मैंने जब उसको फर्स्ट में लिखा प्लस प्लस को तब मुझे फाइव मिल रहा, सॉरी सॉरी सिक्स मिल रहा है, तो ये क्या हुआ। अगर हम यहाँ पर इसको देख रहे थे तब तो वो सेम ही वर्क कर रहा था, तो इससे एक बात पता चली, अगर हम अलर्ट के अंदर बाद में प्लस प्लस को लिखेंगे तो वो उसको उस टाइम रीड नहीं करेगा, उससे नेक्स्ट लाइन में जब हम अलर्ट को प्रिंट कराएंगे तब ही उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अगर यहाँ पर हम पहले ही प्लस प्लस लिख देंगे और फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो पहले तो ये देख लेगा हाँ एक का इंक्रीमेंट करना है, किस में इंक्रीमेंट करना है, इस नम में एक का इंक्रीमेंट करना है, चलो पहले जो पुरानी वैल्यू है उसमें एक का और इंक्रीमेंट करना है। मैं दिखाता हूँ, तो अब हम करेंगे तो हमारे पास सिक्स आएगा, फोर आएगा, फिर सिक्स आएगा, फोर एंड सिक्स सही है। अब हम थोड़ा सा और एडवांस देखते हैं, तो इन सबको हटा देता हूँ, मैं करता हूँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ नम टू नाम से, नम टू इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल नम प्लस नम, पुरानी वैल्यू नम की प्लस फॉर एग्जाम्पल फाइव सही है। उसके बाद नम टू प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस नम टू, फिर उसके बाद प्लस प्लस नम टू, फिर उसके बाद नम टू माइनस माइनस, फिर उसके बाद नम माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस नम, फिर उसके बाद प्लस प्लस नम, फिर उसके बाद नम प्लस प्लस, बस अभी इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद अलर्ट कराते हैं नम टू को,
देखते हैं रिजल्ट क्या मिल रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। आप वीडियो को कर लीजिए पॉज और खुद से ट्राई कीजिए, सोचिए कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, फिर आगे की वीडियो को कंटिन्यू करें। लेकिन अभी मैं रिजल्ट दिखाने के बाद आपको इसको समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको समझा नहीं रहा, मैं आपको समझाऊंगा। अभी मिल रहा है 8, सही है? तो यहाँ पर रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट हमें मिल रहा है 8। तो देखते हैं आप 8 कैसे मिल रहा है। सबसे पहले नम की वैल्यू थी 3, यहां पर आ गया 3। नम 2 में नम की पुरानी वैल्यू +5, यहां पर क्या मिल गया 8। 8 क्यों? नम की पुरानी वैल्यू 3, 3 में प्लस करोगे 5 तो 8 आ जाएगा, यहां पर मिल गया 8। और यहां पर 8 में एक का इंक्रीमेंट हुआ तो यहां पर आ गया 9। दोबारा डिक्रीमेंट हुआ तो यहां पर मिल गया 8 दोबारा से, सॉरी। और अब दोबारा 8 के बाद दोबारा इंक्रीमेंट हुआ तो दोबारा 9 आ गया, उसके बाद दोबारा डिक्रीमेंट हुआ तो दोबारा 8 आ गया, उसके बाद नम की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई। नम की पुरानी वैल्यू क्या थी? 3 थी, तो नम की वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट हुई। अभी नम की नई वैल्यू क्या थी? नई वैल्यू जो थी वो थी 8, तो डिक्रीमेंट हुई तो क्या हुई? 7 हो गई, सही है? 7 हो गई। उसके बाद एक और का डिक्रीमेंट हुआ, नम की वैल्यू में एक और का डिक्रीमेंट हुआ तो 6 हो गया, फिर नम की वैल्यू प्लस हुई तो 7 हो गया, फिर नम की वैल्यू एक और प्लस हुई तो यहाँ पर 8 आ गया। तो फिर हमने नम 2 को जो प्रिंट कराया तो नम 2 के अंदर ही आ रही है ना नम की वैल्यू, नम 2 के अंदर ही आ रही है नम की वैल्यू। तो जब नम 2 को प्रिंट कराया तो उसने हमें 8 रिजल्ट में दे दिया, और यहाँ पर बिल्कुल सही जो है वो मैं यहाँ पर 8 आ रहा है। दोबारा से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ एक बार, तो 8 आ रहा है। अब हम बात करते हैं, हमने जो प्रोग्राम बनाना था उससे पहले एक चीज आपको समझना जरूरी है, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर मैं इसको कमेंट करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। उससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉम्प्ट बॉक्स के बारे में। बहुत सारों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं भी पता होगा प्रॉम्प्ट बॉक्स के बारे में। प्रॉम्प्ट बॉक्स जो है वो किस लिए यूज होता है? प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज इसलिए होता है, अगर आपने किसी यूजर से कोई वैल्यू गेट करनी है, मतलब उसका डेटा या उसका कोई नेम या यूजर नेम या रोल नंबर, कोई इस तरह की वैल्यूज यूजर से गेट करवानी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स का। वो आपको एक अलर्ट की तरह काम करता है, वो एक इनपुट फील्ड दे देता है जिसके अंदर आपको वैल्यू देनी होती है, और वो वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर। तो चलिए उसको देख लेते हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं प्रॉम्प्ट नाम से, वेरिएबल प्रॉम्प्ट नाम से प्रॉम, उसके बाद इधर लिख देता हूँ डायरेक्ट प्रॉम्प्ट जो हमारा बॉक्स है, और इसके अंदर लिख देता हूँ व्हाट इज योर नेम। इधर क्वेश्चन मार्क भी डाल देता हूँ, और अब मैं फाइल को करता हूँ सेव। यहां पर आ गया व्हाट इज योर नेम, तो इधर सॉरी आई लिख दिया मैंने इज लिखना है, इधर लिख देता हूँ लर्न प्रोग्रामिंग। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिफ्रेश करता हूँ वो इज आ गया, तो इधर लिख देता हूँ लर्न प्रोग्रामिंग, सही है? और ओके कर दिया। वो वैल्यू किधर चली गई? किधर गई वो वैल्यू? वो इस प्रॉम्प्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। अगर मैं डॉक्यूमेंट में राइट करा दूंगा इस प्रॉम्प्ट को, हम कहीं भी कर सकते हैं, कंसोल में भी कर सकते हैं, अलर्ट में भी प्रिंट करा सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो अब मैं लिखूंगा इधर लर्न प्रोग्रामिंग और ओके करूंगा, तो लर्न प्रोग्रामिंग जो है वो हमें डॉक्यूमेंट में राइट हुआ हुआ मिल रहा है, बिल्कुल सही। अब मुझे मेरा जो टास्क है आज का, वो मुझे क्या करना है, मुझे
चेक करने हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू। मैं प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर एक नंबर डालूंगा और उस नंबर को वो चेक करेगा कंडीशन की बेस पे, इफ एल्स की बेस पे। अगर नहीं पता तो बेसिक जावास्क्रिप्ट आप पहले सीख लीजिए, फिर ही इस कोर्स को कंटिन्यू करिएगा। इस कोर्स के बाद मेरा जो है जावास्क्रिप्ट का सीरीज स्टार्ट होगी, और मैं आपको ऐसी जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा, ऐसी जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा कि शायद ही पूरे इंटरनेट पर ऐसी जावास्क्रिप्ट किसी ने आपको सिखाई हो। क्योंकि मैं बहुत डीपली एक एक चैप्टर जो जावास्क्रिप्ट जिस बुक से हम पढ़ेंगे उसके टोटल 89 to 90 चैप्टर्स हैं, इतने चैप्टर्स हैं उसके, हम पढ़ेंगे डीपली एक एक चैप्टर, एक एक वीडियो में और एक एक फाइल बनाकर डीपली इतना समझाऊंगा मैं आपको कि उसके बाद आपको उस चीज में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी जो वीडियो आप देख लेंगे। तो इस सीरीज के बाद जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट होगी, तो जल्दी जल्दी यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अभी तक नहीं किया। तो चलें अपने काम पर आ जाते हैं वापस जो हम कर रहे थे। तो अब मुझे प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू चेक करवाना है कि मैं जो नंबर डालूंगा प्रॉम्प्ट के अंदर वो अगर इवन नंबर है तो मुझे कंसोल में या अलर्ट में कहीं भी बता दो दिस नंबर इज इवन, अगर वो ऑड नंबर है तो मुझे बता दो दिस नंबर इज ऑड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं इसको स्टार्ट, इसका प्रोग्राम लिखना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अब इधर लिख देता हूं व्हाट इज योर लकी नंबर। अब इसके अंदर एक नंबर आने वाला है, अगर मैं लिख दूं बाय डिफॉल्ट, अगर इसमें डालूंगा ना कोमा करके तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट के अंदर वैसी 5 लिखा हुआ आएगा। तो अगर मैं अभी कंसोल कराऊंगा ना 5 को, मैं दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं प्रॉम्प्ट को कंसोल कराता हूँ और दिखाता हूँ आपको, ये देखें 5 पहले से लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं ओके करूंगा कंसोल में आपको दिखाता हूँ क्या वैल्यू आ रही है। तो यहां पर देखिए कंसोल में 5 आ रहा है, अगर मैं कोई एडिशन करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, क्या वो वैलिड है। मैं 5 + 5 करता हूँ 5, और ये देखें 55 आ गया। प्रॉम्प्ट के अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो एक स्ट्रिंग मानी जाएगी, ये इसको अभी एक स्ट्रिंग मान रहा है ना कि नंबर, क्योंकि हमने जब एडिशन कराया तो वो एडिशन नहीं हुआ, 5 और 5 एक साथ कॉनकेट मतलब कॉनकेटिनेशन जुड़ के आपस में 5 5 आ गए। मैं तो समझ रहा था कि इसका आउटपुट मुझे 10 मिलेगा, लेकिन उसने उसको कर दिया कॉनकेट। अगर इसको हमने नंबर में कन्वर्ट करना है तो मुझे सिंपल एक बहुत ही आसान तरीका है, आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए प्लस, या इसके और भी तरीके हैं वो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं उनको अभी हम नहीं देख रहे, तो सबसे इजी तरीका है प्लस लगा दीजिए, इससे पता चल जाएगा कि ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है। तो वो उसको अब क्या करेगा, ओके करता हूँ और यहाँ पर +5 लिखता हूँ और अब देखता हूँ क्या होगी कैलकुलेशन। तो ये देख रहे हैं 5 + 5 10 आ गया। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा अपना प्रोग्राम, ये एक नंबर तो मुझे मिल रहा है, अब मैं जो नंबर डालूंगा वो तो मुझे मिलेगा और पता भी चल जाएगा हाँ कि ये जो नंबर है वो जो है इवन है या ऑड है, पता तो चल जाएगा। अब इवन एंड ऑड नंबर फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर आ जाएगा और अगर मेरी फॉल्स होगी तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं इवन नंबर फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, जो भी नंबर नंबर तो इसी वेरिएबल के अंदर आएगा ना, इस वेरिएबल के अंदर नंबर आएगा तो वो उसको चेक करेगा, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, मॉडुलस 2 मतलब 2 से डिवाइड हो जाता है और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, अगर 2 से डिवाइड होकर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वो नंबर इवन है, मतलब 2 के टेबल में 10 आता है, सही है। 2 5 10, रिमाइंडर कितना बचा 0, मतलब वो 2 से डिवाइड हो गया और वो नंबर क्या है, वो इवन नंबर है, जो 2 से डिवाइड हो गया वो इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 ये सारे इवन नंबर है और 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है। तो मैं इधर कंसोल में क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, इधर दिस नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, और एल्स में जाहिर सी बात है
ऑब्वियसली सी बात है, अगर वो नंबर इवन नहीं होगा तो वो तो नंबर ऑड ही होगा ना। तो मैं फाइल को करता हूँ सेव और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली अब 5 को हटा देता हूँ। अब मैं अपने पास से नंबर डालूंगा, तो रिफ्रेश करता हूँ। व्हाट इज योर लकी नंबर, और इधर लिख देता हूँ 2। दिस नंबर इज इवन। अगर मैं इधर दोबारा रिफ्रेश करूँ और कोई ऑड नंबर डालूँ, 1, 1 ऑड नंबर है, दिस नंबर इज ऑड। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया। अगर मैं इधर कोई स्ट्रिंग डाल दूं, फिर हेलो लिख दिया, सॉरी दिस नंबर इज ऑड। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। हमने तो इसको बताया था कि आपको एक नंबर ही मिलेगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। आपको पता है अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो वो एल्स वाला पार्ट चल जाता है, इसलिए इसने हमें दे दिया दिस नंबर इज ऑड। अब हम ये कैसे पता चलाएं कि ये इसके अंदर स्ट्रिंग है, कि हम कैसे पता चलेगा कि ये यूजर ने स्ट्रिंग लिखा है या नंबर लिखा है। इसको चेक करने का एक और तरीका है, वो तो हम अपनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोमिसेस के बारे में। व्हाट इज प्रोमिसेस, डिटेल में पढ़ेंगे प्रोमिसेस को और देखेंगे प्रोमिसेस का यूज क्या होता है, यूज कब होती है प्रोमिस, और हम एक एपीआई को भी फेच करेंगे। लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर पढ़ेंगे प्रॉमिस क्या होती है और एपीआई को उससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब जब हम देखेंगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है, कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।